हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस गिरेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 8, जिसका नाम है जर्नल एंट्री का सॉल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ जर्नल एंट्री, कुछ ट्रांजेक्शन की बना है जिसकी आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हम वन बाय वन ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे और उसकी जर्नल एंट्री को बनाएंगे। जर्नल एंट्री का कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए कि देखिए जब भी बिजनेस में एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस ये इंक्रीज हो जाएंगे ना, आपको उन सब चीज को डेबिट करना है और जब ये डिक्रीज हो जाएंगे आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लाइबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो रहे हैं डेबिट कर दीजिए। अब पहली एंट्री है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपीज के साथ, तो यहाँ पे कैश भी इंक्रीज हो गया बिजनेस के पास, कैपिटल भी इंक्रीज होगी। कैश एक एसेट होता है, एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड आप 1 लाख रुपीज लिखेंगे, क्रेडिट साइड भी 1 लाख रुपीज लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से पहली जनरल एंट्री हो भी गई। सेकेंड जनरल एंट्री है पेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज। अब हमारे पास कैश था जिसको हमने बैंक में जमा करा दिया, तो हमारे पास कैश कम हो गया और बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब कैश भी एसेट होता है और बैंक भी एसेट होता है, एक जगह पे एसेट कम हो गए और एक जगह पे एसेट बढ़ गए। जब एसेट बढ़े हैं बैंक का बैलेंस बढ़ा है तो आपको डेबिट करना है, और जब एसेट कम हो गए कैश कम हो गया हमारे पास तो आपको क्रेडिट करना है। इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 डेबिट साइड 20,000 क्रेडिट साइड, रेशन होगी कैश पेड इनटू बैंक। सेम इसी तरीके से अब थर्ड ट्रांजेक्शन भी हमारे पास है ब्रॉड गुड फॉर कैश 50,000। अब बिजनेस ने परचेज करी है, परचेज इंक्रीज होगी बिजनेस के पास तो डेबिट कर दीजिए, और कैश में परचेज करी है कैश कम हो गया तो क्रेडिट कर दीजिए। जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 डेबिट साइड 50,000 क्रेडिट साइड, रेशन लिखेंगे गुड्स परचेज। इसके बाद है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब कैश को बैंक से विड्रू करा गया है तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया, बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया, कैश इंक्रीज हो गया तो उसको डेबिट कर दीजिए, बैंक का बैलेंस कम हो गया तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 डेबिट साइड 10,000 क्रेडिट साइड। इसके बाद अप्रैल 13 के ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड टू कृष्णा 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे कृष्णा को हमने गुड्स की सेल करी है, कृष्णा हमारा डेटर है, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट इंक्रीज हो गए तो डेबिट कर दीजिए और सेल्स इंक्रीज हो गए तो क्रेडिट कर दीजिए। अब जब सेल्स इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जैसा कि जो मैंने आपको समझाया था रूल उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पे एंट्री होगी कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे एंट्री हमारी है कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में 15,000 डेबिट साइड आएगा, 15,000 क्रेडिट साइड आएगा, गुड सोल्ड आप इसकी नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट जनरल एंट्री है ब्रोड गुड फ्रॉम शाम 22,500। अब 22,500 के गुड्स जो है शाम से हमने क्या करे हैं, खरीदे हैं, तो यहाँ पे भी हमने परचेज करी है और शाम से परचेज करी है तो परचेज हमारी इंक्रीज हो गई है, और शाम हमारा क्रेडिटर है तो क्रेडिटर एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, ये भी इंक्रीज होगी। परचेज को आपको डेबिट करना है और शाम को आपको क्रेडिट करना है, तो इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम 22,500 डेबिट साइड 22,500 डेबिट साइड क्रेडिट साइड आएगा, गुड्स परचेज आप इसकी क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। इसके बाद हमें गिवन है कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज के, तो कृष्णा ने हमें रिटर्न कर दिए गुड्स 2,000 रुपीज के, तो एक तरीके से ये होती है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कृष्णा मेंशन करेंगे, 2,000 डेबिट साइड 2,000 क्रेडिट साइड अमाउंट लिखेंगे और गुड्स रिटर्न इसकी जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट जनरल एंट्री है रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500 अलाउ हिम डिस्काउंट 500। तो यहाँ पे बिजनेस के पास कैश आया है 12,500 का, डिस्काउंट अलाउ भी किया है बिजनेस ने और कृष्णा को कृष्णा ने हमें पैसा दिया है। तो यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले पैसा आया है बिजनेस के पास तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बिजनेस ने दिया तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, जो कि हमारे डेटर्स थे जो कि कम हो गए तो आपको उसको क्रेडिट करना है। 12,500 उसने कैश में दिए, 500 का डिस्काउंट था और 13,000 टोटल हमें कृष्णा से लेने थे, रेशन होगी रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अवेल डिस्काउंट। नेक्स्ट जनरल एंट्री है पेड कैश टू शाम डिस्काउंट रिसीव 1,000 रुपीज। तो यहाँ पे हमने शाम को पेमेंट किया 21,500 की, डिस्काउंट हमें मिला है 1,000 रुपीज का, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास से पेमेंट गई है। सबसे पहले शाम हमारा क्रेडिटर था जो कि अब कम हो गया लाइबिलिटी, तो आपको उसको डेबिट करना है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू कैश अकाउंट आपको लिखना होगा। तो इसकी जनरल एंट्री जो होगी शाम को आपको डेबिट करना है, क्योंकि ये हमारा कौन था, ये हमारा क्रेडिटर था जिसके हमने पेमेंट कर दी, तो ये कम हो गई है लाइबिलिटी हमारे पास इसलिए डेबिट करा, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। शाम को हमें 22,500 रुपीज देने थे, दिए हैं 21,500, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें 1,000 रुपीज का, नरेशन लिखेंगे पेड टू शाम एंड रिसीव डिस्काउंट। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री है सोल्ड फॉर कैश टू मोहन राकेश एंड मयंक। तो यहाँ पे
सेल हुई है बिजनेस में, वो भी कैश में सेल हुई है 80,000 रुपीज की। तो यहाँ पे जो सिंपल से जनरल एंट्री होगी, क्योंकि बिजनेस के पास तो पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 डेबिट साइड, 80,000 क्रेडिट साइड, गुड सोल्ड अप इसकी नरेशन में लिख देंगे। अब लास्ट में आपको दो जनरल एंट्री दे रखी है, April 30 की पेड सैलरी 10,000 रुपीज और पेड रेंट 5,000 रुपीज। तो दोनों ही एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो आपको दोनों को डेबिट करना है, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 का रेंट था, 10,000 रुपीज की सैलरी थी तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, 15,000 को क्रेडिट साइड मेंशन करना है, पेड रेंट एंड सैलरी आपको नरेशन लिखनी है। तो इस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी है। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।